तो बिहार के हमारे मुख्यमंत्री नीतीश बाबू दिल्ली में राजनीतिक तीर्थयात्रा पर आए हैं। बिहार में सूखा भी है, नदियां प्रचंड रूप से बाढ़ में भी हैं, हत्याएं रोज हो रही हैं, आज भी हुई दोनों की हत्या पटना के समीप, उत्तर बिहार में पुलिस के ऊपर गोली चलाई गई, तो अपराध कितना बढ़ रहा है ये तो हम देख रहे हैं। और नीतीश बाबू दिल्ली आए हैं राजनीतिक तीर्थाटन में, लोगों से मिल रहे हैं, मिलना तो अधिकार है, लेकिन ये कवायद है क्या? आज देश को यह बताना जरूरी है कि ये देश बहुत आगे निकल गया है। नीतीश जी, आप जब घूम रहे हैं तो आपको बताना जरूरी है कि कांग्रेस ने चंद्रशेखर जी की सरकार को हरियाणा के दो सिपाहियों के नाम पर गिरा दिया था ना। नीतीश बाबू, आप चूंकि राहुल गांधी से मिले हैं इसलिए आपको बताना जरूरी है ना कि देवगढ़ा की सरकार को कांग्रेस पार्टी ने गिरा दिया था एक साल के अंदर। और नीतीश बाबू, आपको यह भी बताना जरूरी है कि चंद्रशेखर इंदर गुजराल की सरकार को 8-9 महीने में इसलिए गिरा दिया गया कि उनका पब्लिक स्टेटमेंट था कि मुझ पर भ्रष्टाचार से कॉम्प्रोमाइज करने का दबाव बनाया जा रहा है। उसका एक बिहारी एंगल भी था चारा घोटाले का। तो नीतीश, यही ना विरासत है आपकी, अब इसी को लेकर चले आए हैं आप क्या?